केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर फाइव। लास्ट टाइम हम लोग ऑक्सी एसिड्स पढ़ रहे थे कि ये क्या होते हैं, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर बेसिकली इनका डिस्कस किया था। आपके पास मुख्तलिफ ऑक्सी एसिड्स थे उनका, ठीक है। और फिर हमने ये भी देखा था कि ऑक्सी एसिड्स आपके सिर्फ हेलोजेंस के नहीं होते बल्कि आपके और कंपाउंड्स के भी। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड था आपके पास, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, H2SO4, HNO3, इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है। इसके बाद आपके पास सिलिकिक एसिड H2SiO3, ठीक है, आपके पास आयोडिक एसिड HIO3, HClO3, ठीक है, ये आपके पास क्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, और आपके पास कार्बोनिक एसिड H2CO3, या आपके पास जितने भी एग्जांपल्स हैं जिनके एंड पे एक एसिड आ रहा है, ये सारे आपके पास क्या है, ऑक्सी एसिड्स हैं। और ऑक्सी एसिड्स होते क्या हैं, बेसिकली ये ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स होते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स। आज के लेक्चर में हम यहीं से बात आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि हर एसिड, अगर ये सल्फ्यूरिक है तो एक सल्फ्यूरस होगा, नाइट्रिक है तो एक नाइट्रस होगा, फॉस्फोरिक है तो एक फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, सिलिकस एसिड, आयोडस एसिड, क्लोरस एसिड एंड कार्बोनस एसिड। डिपेंड करता है कि आपका सेंट्रल मेटल एटम, या जो आपका सिलिकॉन या आयोडीन या क्लोरीन, ये जो आपका होता है या आपका मेटल एटम होता है, दरमियान मेटल होना जरूरी नहीं है, सेंट्रल एटम इसको हम कहते हैं, सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम के साथ आपके बाकी सारी चीजें बॉन्ड हुई हुई होती हैं और कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। किसका स्ट्रक्चर पढ़ें पहले, इसका पढ़ लें, हेलोजन का स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज असल में हमारा चैप्टर हेलोजन है। तो हम पहले क्लोरिक एसिड देख लेते हैं। देखिए आपके पास HClO3, ये देखने में कैसा होता है। बेसिकली इसमें एक आपके पास क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, और आप देखो कि ClO3 पे -1 चार्ज होता है ना, इसका मतलब है क्लोरीन यहाँ पे 5 है और 3 ऑक्सीजन -6 है, तभी आपके पास 5 -6 -1 क्लोरेट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो Cl के साथ आपके साथ क्या क्या लगा हुआ है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। बेसिकली आपके पास ये एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन क्योंकि दो बॉन्ड्स बनाता है, तो ये एक ऑक्सीजन है, दो बॉन्ड्स बना लिए। फिर एक और ऑक्सीजन लगेगा, वो भी आपके पास दो बॉन्ड्स बना देगा, ठीक है। फिर आपके पास ये है कि एक और ऑक्सीजन इस तरीके से लगेगा कि वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और आप देखो आपके पास तीन क्लोरीन, तीन ऑक्सीजन लग गए ना साथ, और पांच क्लोरीन ने अपने बॉन्ड्स बना दिए, यानी 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl5 कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई। अब आपके पास एक H रह गया, वो HS हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। आपके पास हमेशा यूं ही होता है, आप इनमें से कोई भी एसिड उठा के देख लो, इन सब एसिड्स में आपके पास जो हाइड्रोजन है ना, यानी जो प्रोटॉन या H प्लस जिसको आप कहते हो, जो आपके अंदर होता है, हमारे अंदर तो नहीं होता, सॉरी, एसिड्स के अंदर होता है, अब कोई एसिड तो नहीं ये लेक्चर सुन रहा होगा, इट्स इनके अंदर ये जितने भी होते हैं ना H वगैरह, ये O के साथ पहले बॉन्ड हुए हुए होते हैं, ठीक है, और वो फिर आगे Cl के साथ आपका जुड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें HNO3 में जो आपका H है ना, ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हुआ हुआ होगा, और वो ऑक्सीजन फिर आगे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हुआ होगा। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इसमें अगर आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इस वाले बॉन्ड को, तो पीछे जो जनरेट होगा वो OH-1 जनरेट होगा, और अगर आप इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो आपके पास H प्लस जनरेट होगा। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पता है जो चीज OH नेगेटिव जनरेट करती है उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये एक बेस है, और जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करती है और जितना ज्यादा करती है हम उसको कहते हैं वो उतना अच्छा एसिड है आपके पास, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका एसिडिक और बेसिक बिहेवियर कैसा है, ठीक है। एक तो एसिडिक बेसिक बिहेवियर हम लोग देख लेते हैं, साथ में हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो आपका सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, मैं बार बार रिपीट कह रहा हूँ, ये मेटल नहीं होता, ठीक है, ये आपका सेंट्रल एटम है, इसके चार्ज से क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा था कि HClO3 में क्लोरीन 5 कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, Cl5 कॉन्फ़िगरेशन में, तभी आपके पास क्लोरेट का नेगेटिव वन चार्ज बन रहा है। आप अगर ये क्लोरिक एसिड था ना, आप अगर क्लोरस एसिड की बात करो तो वो बेसिकली HClO2 हो जाएगा, ठीक है, और क्लोरस एसिड के बाद Cl इसकी 3 कॉन्फ़िगरेशन होगी। फिर आप अगर
HClO की बात करो तो ये हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास Cl1, तो क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, और क्लोरिक एसिड से भी अगर एक स्टेप आप पीछे चले जाओ यानी क्लोरीन 7 कन्फिग्रेशन हो, ठीक है, तो वो आपके पास होगा HClO4, ठीक है, क्लोरीन 7। और इसमें आपके पास जो है इसका नाम क्या होता है, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी, इनको कैसे हम नेमिंग कैसे देते हैं हम इनको। अब ये जो आपके पास क्लोरिक एसिड है ना, और क्लोरा, अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, या इस साइड से अगर आप देखना शुरू करो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है, और यहाँ पे +7 है। अगर आप HClO का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसमें एक क्लोरीन है, ये डबल सिंगल बॉन्ड हुई हुई है ऑक्सीजन के साथ, और वो जो ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड हुआ हुआ है हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये बेसिकली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और हाइड्रोजन भी +1 और ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो ये आपका हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आप अगर इसका, ये जो आपके पास क्लोरस एसिड है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो ये कुछ ऐसा होगा, इसमें एक क्लोरीन होता है, एक उसका डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, फिर आपका बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है, ठीक है। अगेन इस केस में भी इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे +3 चार्ज हो करेगा, ठीक है। फिर आप एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करो जिसमें क्लोरीन जो है वो दो ऑक्सीजन, एक इस वाले ऑक्सीजन के अलावा दो मजीद ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हुआ है, ठीक है, और फिर एक और ड्रॉ करो जिसमें तीन मजीद ऑक्सीजन के साथ वो बॉन्ड हुआ है। तो ये आपके पास वो जो ऊपर मैंने सारे एसिड्स लिखे थे ना, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होगा सबका, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पे क्लोरीन का चार्ज क्या था, +1, यहाँ पे +3, और इस नीचे वाले में हो गया आपके पास सॉरी, ये जो ये +1 था, इसमें आपके पास +3 था, ये वाला जो है ये +5 हो गया, और ये सबसे नीचे है ये +7 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो 7 बॉन्ड्स बना रहे हैं यहाँ पे, और पार्शली पॉजिटिव है ये विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अब आप देखो कि ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक है या स्ट्रांग है, अब सिर्फ इस बॉन्ड पे गौर करो, एच और ओ के दरमियान वाला जो बॉन्ड है ये किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब बेसिकली एच और ओ के दरमियान का बॉन्ड किस टाइप का होगा, ये कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, और चूंकि एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन, सॉरी ओ की ज्यादा है तो ये ओ की तरफ थोड़ा सा आया हुआ होगा, ठीक है, इस तरह का होगा, लेकिन होगा कोवलेंट, ये नहीं होगा कि एच अपना एटम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपना उसको दे दे ऑक्सीजन को, ये कोवलेंट बॉन्ड दरमियान में बना हुआ होगा। अब जब होता यह है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती जाती है तो क्लोरीन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उस पे आने लग जाता है, ठीक है, यानी बेसिकली क्लोरीन का ये जितने साइड्स पे ऑक्सीजन ज्यादा होते जा रहे हैं ना, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होता जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है जितना क्लोरीन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा होगा, इस वाले ऑक्सीजन का भी उतना इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर ज्यादा होता जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इतना ज्यादा कर दे, और ये इलेक्ट्रॉन जितने ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं ना, आपका इस हाइड्रोजन को रिमूव करना उतना ही इजी होता जा रहा है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल सी चीज है, मैं फिर बता देता हूं, ये बेसिकली कुछ यूं हो रहा है कि आपके क्लोरीन के साथ ना जितने ज्यादा ऑक्सीजन आते जा रहे हैं, उन सारे ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर ऑफ क्लोरीन हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को जो अट्रैक्ट कर रहा है ये बहुत ज्यादा करने लग रहा है, ठीक है, यानी ये यहाँ से हर साइड से ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव पोलैरिटी आती जा रही है इसके ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, ठीक है, और जितना ये ज्यादा स्ट्रांग चार्ज प्रोड्यूस होने लग जाएगा उतना इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रांग प्रोड्यूस होने लग जाएगा, ठीक है। जब इसके ऊपर +7 चार्ज होगा तो यहाँ पे हाईली नेगेटिव चार्ज होगा इस वाले ऑक्सीजन पे, जब ये वाला ऑक्सीजन हाईली नेगेटिव होगा इसका मतलब है ये फर्दर ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो इस वाले एच को रिमूव करना आसान हो जाएगा, ठीक है, और ये आसानी से टूट के एच प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आज के हमारे लेक्चर की डिस्कशन का पहला टॉपिक था एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, और हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जितनी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है सेंट्रल एटम की उतनी आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड का आपस में कंपेयर करो, HNO3 और HNO2,
अब नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, नाइट्रोजन 5 और इसमें नाइट्रोजन 3 होती है। अब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि नाइट्रोजन 5 में ज्यादा है, आपका नाइट्रिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा निस्बतन नाइट्रस एसिड के, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है नाइट्रस से, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा सल्फ्यूरस एसिड से, ठीक है। आप इसका कोई भी देख लो, एक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं अस एसिड से, ठीक है, और जो अस एसिड्स हैं ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं हाइपो अस एसिड से। फॉर एग्जांपल आप क्लोरस एसिड की बात कर रहे हो, क्लोरस एसिड ये स्ट्रॉन्ग होगा हाइपोक्लोरस एसिड से, बिकॉज हाइपोक्लोरस एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट मजीद डाउन हो जाती है। तो आप अगर यूं लिखना चाहो, HClO4 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, फिर उसके बाद HClO3, फिर उसके बाद HClO2 और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ HClO की है, ठीक है। HClO में बेसिकली HC क्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन की एक तरफ ऑक्सीजन हो गया और दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो गया। तो मतलब इनके स्ट्रक्चर्स कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। एक आपके पास ऑक्सीजन होता है, साइड पे एक हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ को आपके पास क्या लगा होता है, कुछ भी लगा होता है, उसको हम एक्स नाम दे देते हैं। और वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर कोई मेटल होता तो फिर क्या होता, अगर तो यहाँ पे कोई मेटल होता ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सोडियम होता, तो ये होता कि सोडियम जो है वो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर उसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपके पास और ये आपका इतना ज्यादा नेगेटिव होगा आप इस बॉन्ड को, ये फौरन टूट जाएगा आपका बॉन्ड जब आप सोल्यूशन के अंदर डालोगे, तो हाइड्रोक्सिल आयंस जनरेट करेगा तो आपकी बेस बन जाएगी। जब आपके यहाँ पे मेटल एटम्स होते हैं ना तो आपकी बेसिस जनरेट होती है, और जब यहाँ पे नॉन मेटल एटम्स होते हैं तो आपके एसिड्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ देख ली। दूसरी चीज हम देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, आप क्या समझते हो? ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है दूसरी चीज को ऑक्सीडाइज करने की पावर, ठीक है, यानी खुद रिड्यूस होने की पावर, रिडक्शन पोटेंशियल कह लो आप। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब एक तरह से रिडक्शन होना, ठीक है। अब रिडक्शन की अगर आप बात करो, एक आपके पास HClO की बात कर लो और एक HClO2 की बात कर लो, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं। अब HClO का स्ट्रक्चर हम बार बार बनाते आ रहे हैं, इसमें एक ऑक्सीजन है, एक तरफ को आपका H लगा हुआ है और दूसरी तरफ को एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, और इस नीचे वाले में एक क्लोरीन है, एक तरफ को एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और साइड पे OH लगा हुआ है, ठीक है, O और ये OH के साथ फिर जुड़ा हुआ है। अब आपके पास होता ये है कि रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है कि इसकी अपनी रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इस वाले की बात करो और फिर आप ऊपर वाले की बात करो, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना किस में इजी होगा, आप खुद सोचो किस में इजी होना चाहिए। बेसिकली आपका जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो रिडक्शन होने का है ना, कि रिडक्शन कितनी आसानी से होगी, वो आपका किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ये इसके बॉन्ड्स कितनी आसानी से टूटेंगे, ठीक है। अब इसमें इशू ये होता है कि आप जितना टॉप से बॉटम आ रहे हो ना, आपसे जो HClO2 के नीचे हो जाएगा HClO3 और फिर उसके नीचे HClO4, ये क्लोरिक एसिड और ये पर क्लोरिक एसिड। अब इसमें यह होता है कि आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है ना, वो टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, ठीक है, जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, यानी आप इसके बॉन्ड्स को अगर तोड़ो तो ये बहुत मुश्किलों से टूटेंगे निस्बतन इसके, ठीक है। अब जब थर्मल स्टेबिलिटी नीचे की तरफ आपकी बढ़ती है, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर इनकी डिकम्पोजिशन मुश्किल होती जाती है, तो जब ये मुश्किलों से डिकम्पोज होता है तो इस तरह आपके पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इसका रिएक्शन कराना किसी के साथ उतना ही मुश्किल हो जाता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर सबसे ऊपर वाले की बात करो HClO, ये आपके पास बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाता है निस्बतन HClO4 के, ठीक है। तो HClO जो है चूंकि बहुत इजीली रिड्यूस हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम बेसिकली उनको कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ ना अगर, तो इस बात का मतलब ये है कि मैं ना किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रखता हूँ, ठीक है, यानी जब मैं दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता हूँ तो इसका मतलब मैं दूसरे में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दूंगा, तो
तो मैं मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दूंगा, और मैं खुद क्या, जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन से उसे खींच लूंगा तो मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, यानी मैं खुद क्या हो जाऊंगा, रिड्यूस हो जाऊंगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो बेसिकली इस वजह से हम कहते हैं। और ये HClO आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो HClO सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर आपके पास HClO2, फिर HClO3, और सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HClO4। ठीक है, और थर्मल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और थर्मल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो अगर, या स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो आपके पास जितने सबसे नीचे वाला है ना HClO3, यानी परक्लोरिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, फिर उसके बाद आपके पास क्लोरिक एसिड है, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्लोरस एसिड है, और फिर आपके पास, सॉरी एक मैंने कम डाल दिया, सबसे ऊपर आपके पास होगा परक्लोरिक, फिर उसके नीचे क्लोरिक, फिर उसके नीचे ये क्लोरस, और फिर हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, तो ये थर्मल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। अब हम फाइनली आज के लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जो कि है परक्लोरिक एसिड की, बिकॉज हेलोजेंस का चैप्टर है तो हम हेलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स ही को देख लेते हैं। सिर्फ आपके जो ऑक्सी एसिड्स है ना हेलोजेंस के, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है परक्लोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है HClO4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं पहले भी ड्रॉ कर चुका हूँ। आपके पास एक क्लोरीन होता है जिसके साथ यूं करके इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और ये आपके पास तीन ऑक्सीजन फर्दर हो गए। क्लोरीन का चार्ज आपके यहाँ पे पॉजिटिव 7 होता है, ठीक है, और हर ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, और ये बहुत ही अच्छा एसिड है। पहली चीज़ तो ये कि बहुत ही अच्छा ये एसिड है, दूसरी चीज़ ये कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वेरी गुड एसिड, ये सिर्फ हल्का फुल्का अच्छा नहीं है, ये बेहतरीन एसिड है। ठीक है, इसके बाद फिर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं इस एसिड की। ठीक है, ये एसिड आपका नॉर्मली लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और ये कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये पानी की तरह देखने में आपको नजर आएगा। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक यानी ये वाटर के साथ फौरन रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये है कि ये जनरेट कैसे होता है। अगर आपके पास पोटेशियम परक्लोरेट हो ना, आप उसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, तो बेसिकली होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या जनरेट करेगा, क्योंकि ये एसिड है तो ये प्रोटॉन्स जनरेट करेगा और साथ में बाइसल्फेट आइंस जनरेट करेगा। ठीक है, और ये पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम और क्लोरेट आइंस जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब ये सिंपली ये एक एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रहा है, कि आपके पास एच प्लस और सी एल ओ फोर माइनस रिएक्ट करके पर क्लोरिक एसिड बना देंगे। ठीक है, और साथ में आपका पोटेशियम और एच एस ओ फोर मिल के पोटेशियम बाइसल्फेट बना देंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा रिएक्शन है इसकी प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद हम डिसोल्यूशन देख लेते हैं कि ये डिसॉल्व होता है या नहीं होता वाटर के अंदर। नॉर्मली अभी तक आप जितने भी ऑक्सी एसिड्स पढ़ रहे हैं ना, ये सब के सब वाटर के अंदर सॉल्यूशंस की फॉर्म में ही होते हैं। आप अलग में नहीं कर सकते कि आप जैसे HClO3 तो आप अलग में निकाल सकते हो ना, क्लोरिक एसिड, ये आपके बहुत रेयर एसिड्स में से, आपके जितने भी बाकी एसिड्स हैं ना, फॉर एग्जांपल आप सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, आपके वो जो एसिड्स हैं वो अमूमन सॉल्यूशंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और सेपरेटली उनके एसिड्स को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके पास ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, बेसिकली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है इन केस ऑफ परक्लोरिक एसिड जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। अब परक्लोरिक एसिड में ये होता है कि अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रखो, ठीक है, और कंसेंट्रेटेड आप सोल्यूशन लो कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, तो होता ही है कि वाटर के अंदर डिसॉल्व ये इजीली हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये है कि आप इसको अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ले जाओ तो ये फ़ौरन डीकम्पोज हो जाता है, HClO4 जो है ये फ़ौरन डीकम्पोज हो जाता है। सॉरी, HClO4 डीकम्पोज होके क्या बनाता है, ये आपके पास अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्लोरीन और हाइड्रोजन वगैरह जनरेट करता है, और जब ये जनरेट करता है तो आपके पास क्या बनता है, ये जो हाइड्रोजन है ये बर्न करने लग जाता है और बहुत ही विगरेस रिएक्शन होने लग जाता है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो है ये आपका एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट भी शो करता है जब इसका टेम्परेचर आप ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास एक सॉल्ट
कह लो, ये है तो फिलहाल एसिड, लेकिन इसके जो सॉल्ट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप पोटेशियम क्लोरेट की बात करो, पोटेशियम पर क्लोरेट की बात करो, फॉर एग्जाम्पल KClO4, या आपके पास अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर सिंपल क्लोरेटाइन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपकी मुख्य प्रॉपर्टीज़ हैं पोटेशियम पर क्लोरेट की, और सॉरी पर क्लोरिक एसिड की। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसे ब्लीच कैसे करते हैं, फिर हम ब्लीच करके देखेंगे कि अच्छी ब्लीच होती है या बुरी ब्लीच होती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।